सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग और आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल स्टार जी यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, क्या आप भी मेरे जैसा ही WCC2 के न्यू मेगा अपडेट या फिर WCC3 गेम के लिए वेट करके बैठे हो? तो प्लीज़ यार, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, क्योंकि आज इस वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे सीक्रेट पता चलने वाली है। तो आप भी मेरे जैसा वेट कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो WCC2 के फैंस वालों, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है यार, बहुत ही खास है। और साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर दबा दो, ताकि और भी अच्छे अच्छे न्यू गेम्स के ऊपर मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा उससे आप सबसे पहले देख पाएंगे। सो गाइस, आपको तो पता है कि WCC2 गेम के कंपनी नेक्स्ट वेब मल्टीमीडिया हर एक साल बाद अपने WCC2 गेम के अंदर ये एक बिग मेगा अपडेट लॉन्च करता है, लेकिन इस साल यानी कि 2019 का मेगा अपडेट कुछ दिन पहले ही चला गया, लेकिन काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है। हाँ, कुछ दिन पहले जो NPL ऑप्शन अपडेट आया था WCC2 गेम के अंदर, यानी कि IPL ऑप्शन अपडेट आया था, वही था इस साल का बिग मेगा अपडेट, लेकिन काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि कैसे आप फ्री में NPL ऑप्शन का अनलॉक कर सकते हो, तो उस वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो जाके देखो, आपको फ्री में NPL ऑप्शन अनलॉक करने का प्रोसेस पता चल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे चीज अनलिमिटेड एंड अनलॉकेड मिलेंगे। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सो गाइस, NPL ऑक्शन ही था WCC2 गेम के इस साल के बिग मेगा अपडेट, लेकिन क्या अभी नेक्स्ट ऑफ मल्टीमीडिया यानी कि WCC2 की कंपनी अभी WCC3 भी रिलीज करने वाली है? तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन तो आता रहता है, लेकिन चलो मैं आपको प्ले स्टोर पे ले जाके कुछ सीक्रेट बता देता हूँ, जिससे आपका अंदाजा लग जाए कि WCC3 रिलीज होगा तो कब रिलीज होगा। तो जैसे कि प्ले स्टोर पर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, WCC जब रिलीज हुआ था वो रिलीज हुआ था 6 जून 2011। उसके 4 साल बाद WCC2 रिलीज हुआ जुलाई 2015 के अंदर। तो यानी कि आप ये सोच लो कि 4 साल बाद WCC जब रिलीज हुआ था उसके 4 साल बाद WCC2 रिलीज हुआ है, और इसके 4 साल यानी कि 4-5 साल बाद ही WCC3 लॉन्च होगा, यानी कि 2015 में रिलीज हुआ था, तो अभी लगभग 4 साल हो गया है। तो आपको शायद 2020 के अंदर आपको WCC3 देखने के बहुत ही चांस है। तो ये तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको 2020 के अंदर ये WCC3 देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अभी WCC3 नहीं आएगा तो WCC2 गेम के अंदर क्या फीचर्स अभी आपको देखने को मिलेंगे? जैसा कि इस WCC2 के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स तो मिल जाता है, लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स आपको अभी देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि रियल जर्सी। जैसे कि रियल क्रिकेट 18 ने पिछले कुछ दिन पहले कॉन्फर्म किया था कि उसका रियल क्रिकेट 19 वर्जन में रियल जर्सी फीलिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको कॉम्पिटिशन देने के लिए शायद WCC2 भी इस WCC2 के अंदर रियल जर्सी अपडेट जल्दी से जल्दी ला सकता है, क्योंकि इस गेम के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स ऑलरेडी मिसिंग है। रियल क्रिकेट 19 से मुकाबले में ये अभी बहुत ही पीछे है। तो ये कंपनी भी चाहेगा कि इस गेम को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस IPL सेशन में डाउनलोड करें, तो इसीलिए इस कंपनी भी आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू अपडेट ज़रूर लाने वाली है। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना है और थोड़ा सा इंतज़ार करना है, और इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, ताकि जल्द से जल्दी WCC2 गेम के अंदर भी एक बिग मेगा अपडेट रिलीज हो जाए। तो दबा के शेयर करो, ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और ऐसे ही और भी फ्यूचर में इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।